आई एम यूजिंग कॉफी पील ऑफ मास्क फॉर स्किन वाइटनिंग, जिसके लिए मैं ले रही हूँ एक बॉल और इसके अंदर मैं ले रही हूँ ये 2 रुपए का छोटा सा पाउच कॉफी का। गाइस इसमें टोटल कॉस्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी और इसके बेनिफिट कितने हैं, जिससे कि आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी कम पैसों के साथ में अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसको बनाती हूँ, उसके बाद इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको। तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने इसमें लास्ट में आपको इस रेमेडी का रिज़ल्ट भी दिखाया है। तो यहाँ पर ये एक कॉफ़ी के छोटे पाउच में आपको 2 चम्मच कॉफ़ी का पाउडर मिल जाता है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर शुगर यानी चीनी। इसको थोड़ा सा क्रश करके भी यूज़ किया जा सकता है और इसको ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ये 2 चम्मच जो कि आपके किचन में बहुत ईजिली मिल जाती हैं, 0 इन्वेस्टमेंट में 2 चम्मच छोटे आप इसमें शुगर ऐड कर दें। उसके बाद है ये एवर यूथ का गोल्डन पील ऑफ मास्क। गोल्डन पील ऑफ मास्क जो है हमारी स्किन को पील करने में काम करता है, जिससे कि ऊपरी जो भी स्किन है रेड स्किन वो निकल जाती है। अच्छा, ये आपको 10 रुपीज़ में इसका एक छोटा सा पाउच भी मिल जाएगा जिसको आप 2 बार यूज़ कर सकते हो और ये 2 चम्मच 5 रुपये इसका कॉस्ट है। तो टोटल इसका कॉस्ट होगा रेमेडी का 7 रुपीज़। 2 रुपये का कॉफ़ी पाउडर और 5 रुपये का ये आपका पील ऑफ मास्क। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और अब इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे ये काम करता है। सो ये तैयार है हमारा कॉफ़ी पील ऑफ मास्क। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में आपको बनाना है और जितनी चीज़ें मैंने ऐड की हैं उतनी ही चीज़ें आपको उतनी ही क्वांटिटी में ऐड करनी है। ये पील ऑफ मास्क कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको पहले इसको अपने हैंड में लगा कर दिखा रही हूँ। आप मेरे हाथ की कंडीशन देख सकते हो, कितनी ज़्यादा डार्क और डल दिखाई दे रहा है मेरा हैंड। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, एक थिन सी लेयर। इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको इसे कंप्लीट ड्राई करने के बाद ही वॉश करना होगा। तो अभी मैं इसको हैंड में लगाने के बाद अच्छे से इसको वेट करूँगी इसको सूखने का। थोड़ा सा ये पैक मेरे पास बचा था इसलिए मैंने सोचा इसको फेस में यूज़ कर लूँ, तो मैं अब इसको अपने फेस में लगा रही हूँ। आप इसको यूज़ करने से पहले अपने फेस को वॉश करने के बाद ड्राई ज़रूर कर लेना, ड्राई फेस पर ही आप इसको लगाना और इसको अप्लाई करना एक थिन सी लेयर। आप अपने नोज़ एरिया में भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कीजिएगा फेस पर, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कीजिए। तो इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद मैं इसको वेट करूँगी इसको सूखने का और इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद गाइस मैं आपको पहले ये मेरे हैंड में देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको आपको पील करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हम साइड से पकड़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ इसको लेकर जाएंगे। जो भी डेड स्किन होती हैं, छोटी छोटी पॉल्यूशन जो हमारी स्किन में चिपकी रहती हैं वो इससे निकलता है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और जो छोटे छोटे थिन हेयर होते हैं, पतले पतले हेयर जो हमारी स्किन के ग्लो को फैड कर देते हैं, उन सबको ये निकालने में हेल्प करता है। इस तरीके से आपको इसे पील करना है। और अभी मैं आपको इसे वॉश करके भी दिखाती हूँ और शायद आपको कैमरे में शो ना हो रहा हो इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप इसको ट्राई करके देखोगे तो खुद ही आपको इसका रिज़ल्ट दिख जाएगा। अब देखिए मैं इसको फेस से भी पील कर लेती हूँ और फेस पर पील करते हैं जब आप इसको, तो ऑयली स्किन की भी जो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है, साथ ही बहुत अच्छा ग्लो भी आता है, साथ ही नोज़ पर जो ब्लैक हेड्स और चिन के आसपास ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रह जाते हैं वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी अपने चेहरे को, और आप भी किसी टॉवल की हेल्प से या फिर कॉटन टिश्यू की हेल्प से भी आप इसको साफ़ कर सकते हो। और अभी आप इसका ग्लो चेक कीजिए, इतना ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट है। आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सिर्फ 7 रुपये में आप अपनी स्किन के ग्लो को हर दिन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ट्राई कीजिए और अपने बहुत सारे पैसों को बचाइए। साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।